भैया दरवाजा खोलो ना, केक वाला आया होगा। ओ, देविका भाग। अगर ये मुझे वापस दिखा ना तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। देखिए मैडम, ऐसा है, रश्मि के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आप दोनों हमारे मैटर में ना पड़े तो अच्छा है। कुछ और भी है जो तू छुपा रही है। यार रश्मि, जब भी हम शादी की बात करते हैं तुम हमको इग्नोर मार देती हो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, उनकी फिजिकल अट्रैक्शन है तुम। तुम्हारे यूपी में कट्टा और कंटा दोनों बहुत फेमस है। ये साला सबको मार देगा। देख बेटा, अब भी अगर तू सच नहीं बोलेगी तो ना जाने और कितनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेक्स किया है हमारे साथ तो शादी तो करनी पड़ेगी तुमको। उस दिन उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जान से मार देता तो आज नौबत ही नहीं आती। जान से मार देते तो ही बढ़िया था, पर हम में कसम न लगाएंगे, भगवान कसम। अब भी तुम्हें कुछ छुपाना है ना तो छुपाओ। तो प्लीज चले जाओ। देविका, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे मम्मी पापा भी। मेरी वजह से तुम लोग प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम तो तब आएगी ना, रेप केस में अंदर डलवाऊंगी उसे। देखिए तुम, हमारे यूपी में एक कहावत है कि पापी को पाप करने से उसका बाप भी नहीं रोक सकता। मार दिया तेरे पापा को। यूपी से हैं हम, पिस्टल और कट्टा के साथ हम पले बड़े हैं, तो अगली बार इधर उधर नहीं होगा, सीधा यहाँ गोली मारेंगे। कहाँ? यहाँ।